हमारे साथ गली न्यूज़ पे बात करने के लिए मौजूद है वार्ड नंबर 135 से समाज सेवक विजय थोराट जी। चलिए हम उनसे बात करते हैं। आपने शेतकरी कामगार पक्ष से आपका नाम नामांकन भरा है, क्या कहना चाहें? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे गली न्यूज़ का, क्योंकि आज हम पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं और इलेक्शन लड़ने के लिए हर चीज़ ज़रूरी होती है जिसे हम प्रचार में साथ में लेके चले, और हर चीज़ कम पड़ सकती है जो हम नहीं करें। तो पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ गली न्यूज़ का, उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम हमारी बात लोगों को आपके द्वारे बता सके। हमने सबसे पहले तो अपक्ष में ही फॉर्म भरा था, बट लेकिन शेतकरी कामगार पक्ष हमने चुनने का एक ही रीज़न है उसके पहले, क्योंकि शेतकरी ये नाम ही ज़मीनी है और विजय थोरात ये नाम भी एक ज़मीनी है। हम सोशल वर्क से जाने वाले लोग हैं, एकता एनजीओ ये सामाजिक संस्था है जिससे हम पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं, और इसीलिए हमने इस साल लोगों को वादा ना करते हुए हमने 4 सालों से काम किए हैं और हमें और करना है, इसलिए हम ये नगर सेवक जो बृहन मुंबई महानगर पालिका 2017 में हमने शेतकरी कामगार पक्ष से नामांकित किया हुआ है। पहली बार आपने इलेक्शन का फॉर्म भरा है, पहली बार आप इलेक्शन लड़ रहे हो, आपके सामने सेना है, बीजेपी है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी का ऑलरेडी वहां पर नगर सेवक था, किससे लगता है कड़ा मुकाबला होगा? पहली बात तो ये जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ वो मेरे खुद के लिए लड़ रहा हूँ, जैसे मैं सोशल वर्क करता हूँ मैं मेरा काम कर रहा हूँ, और मेरे काम से जो मुझे आगे काम करने हैं इसलिए, और अगर सच में मेरी कंपटीशन किस चीज़ों से है तो मेरे वार्ड के जो गंदगी है, जो मेरी वार्ड की जो पानी की समस्या है, जो मेरी वार्ड की आज जब मैं मंडला में जाता हूँ वहाँ की टॉयलेट की समस्या है, आज जो मैं मानखुर विभाग में रहता हूँ जो SMS कंपनी है उनके अगेंस्ट, आज जो मैं जब से आया हूँ यहाँ पे मानखुर में तब से देख रहा हूँ जो स्क्रैप है यहाँ पे जिसे हम देवनार डंपिंग कहते हैं, मेरी लड़ाई उनसे पार्टियों से मेरी लड़ाई नहीं है, क्योंकि जो भी मैंने काम किया है अपने बलबूते किया है, अपने लोगों की हिम्मत से किया हुआ है, तो मेरी लड़ाई कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। बहुत सारे मसले हैं मंडला मानखुर में, मंडला में गंदगी का मामला है, मंडला में गटर की साफ सफाई का मामला है, मंडला के रास्ते अच्छे नहीं हैं। क्या लगता है आपको, अगर आप नगर सेवक चुनकर देती है जनता आपको, तो आप सबसे पहले ऐसे कौन से काम हैं जो आप करते हैं? नहीं, इस बात पे तो मैं स्पेशली रोशनी डालना चाहता हूँ कि जब मैं इलेक्शन का नामांकन भरा भी नहीं था तब से हम BMC के फॉलोअप में हैं, हम वो सब काम कर रहे हैं। तो अगर सच में मुझे मंडला में अगर पहली कोई चीज़ करनी है तो वहाँ के मैं टॉयलेट बनाऊँगा। आज अपडेट में यही न्यूज़ है कि वहाँ का टॉयलेट गिरा, वहाँ पे 4 लोग मर गए, 3 लोग मर गए, एक अभी भी मौत से जूझ रहा है। तो वहाँ के जो टॉयलेट की समस्या है वो टॉयलेट की समस्या मैं सबसे पहले दूर करूँगा। उसके बाद दूसरी समस्या वहाँ पे है जो रोड की है, जो हमारे रिक्शा वाले टैक्सी वाले आपको बताएंगे कि जब हम रोड से चलते हैं तो उनकी गाड़ी की हालत ख़राब ना हो करके रिक्शा वाले एक ऑटो का भाड़ा भी नहीं मारते। तो रोड की समस्या वहाँ पे सबसे मेन है, वो भी रोड की समस्या में ही है बोलना चाहता हूँ। और आपके माध्यम से मैं ये वादा करना चाहता हूँ, मैं तो लोगों को बोल रहा था कि मैं स्टैम्प पेपर पर लिख के दूंगा, लेकिन आपके माध्यम से मैं वादा करता हूँ कि जो अगर मैं नगर से वो जीतता हूँ और पहला फंड आता है तो मेरा पहला फंड मंडला के लिए होगा। मेरी निशानी नारियल है और मैं चाहती हूँ आने वाले इलेक्शन में 21 तारीख को बहुत ज़्यादा संख्या में लोग बाहर निकल के मुझे वोट करे। नारियल मेरी